हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में अंडर वोल्टेज रिले या फेस फेलियर रिले के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास ये ऑरेंज कलर की एक डिवाइस है जो कि कंट्रोल पैनल में लगाई जाती है। इसका क्या मकसद होता है, किसी भी वजह से अगर हमारे वोल्टेज ड्रॉप कर जाते हैं या हमारा कोई एक फेस या न्यूट्रल सर्किट से डिसकनेक्ट हो जाता है, तो हम अपने कंप्रेसर और इस तरह की जो एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए इस डिवाइस को यूज़ करते हैं, ताकि वो बर्न आउट ना हो जाए या किसी एक फेस फेलियर होने की सूरत में हमारा सिस्टम ब्रेक डाउन ना हो। इस वजह से हम इस प्रोटेक्शन को यूज़ करते हैं। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके ऊपर वाले चार टर्मिनल पर हमने तीन फेस और न्यूट्रल को कनेक्ट किया है। आप देख सकते हैं इसके बैक एंड साइड पर जो हमारे टर्मिनल हैं उस पर हमने रेड एंड येलो फेस कनेक्ट किया, जबकि सेकंड लेवल पे जो हमारे पास टर्मिनल है उस पर हमने ब्लू फेस को कनेक्ट किया है, जबकि न्यूट्रल को कनेक्ट किया है। और इसके बॉटम पे आप देख सकते हैं जहाँ से हम अपने कंट्रोल फेस को जो है स्विच कराते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्लू फेस को हमने सर्किट के कंट्रोल के लिए यूज़ किया, जो कि आप देख सकते हैं हमारे इसके लेफ्ट हैंड साइड टॉप टर्मिनल पर इन हो रहा है, जबकि बॉटम से वन आउट हो रहा है, जो कि हमारे मेन कंट्रोल को ऑपरेट कर रहा है। तो क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में हमारा ये जो ब्लू फेज होता है वन टर्मिनल पे हमें आउट होता है, हमें वन पे मिलता है, इस टर्मिनल पे हमें मिलता है, जबकि जब ये हमारी डिवाइस किसी भी वजह से, यानी कि किसी फेज फेलियर होने की वजह से, न्यूट्रल फेलियर होने की वजह से ट्रिप हो जाती है, तो हमारे इसके साथ जो सेकेंड टर्मिनल है, जहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये टर्मिनल है, इस पे फेस आ जाता है, जिसके साथ हम किसी भी ट्रिप इंडिकेशन को कनेक्ट करके पैनल पे इंडिकेशन दे सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक डायल दिया जाता है जो कि टाइम डिले है। आप देख सकते हैं जब ये डिवाइस ऑफ हो जाएगी तो कितनी देर के लिए हमारा सिस्टम ऑफ रहना चाहिए, तो ये वो सेट डिले है आप यहाँ से कर सकते हैं, जो कि मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 मिनट्स है। ये आप देख सकते हैं मिनट्स लिखा हुआ है। अभी हमने 5 मिनट को सिलेक्ट किया है। इसका मकसद क्या होता है कि अगर हम इस पैनल से हम कंप्रेसर को कंट्रोल कर रहे हैं, अगर हमारे किसी वजह से अगर फेस फेलियर होता है और सिस्टम ट्रिप हो जाता है, तो सेम टाइम पर रन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंप्रेसर बर्न हो सकता है, इसीलिए हम इस डिले को यूज़ करते हैं अंडर वोल्टेज रिले में। अभी आपको इसकी न्यूट्रल को रिमूव करके दिखाता हूँ और आप देख सकेंगे कि हमारा ये सर्किट जो है वो ट्रिप हो जाएगा, यानी कि इस डिले जो ये अंडर वोल्टेज रिले जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और हमारा सर्किट ऑफ हो जाएगा। न्यूट्रल को हम लूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं मैंने इसको लूज़ किया है। जैसे ही मैं इसके न्यूट्रल को आउट करूँगा तो आप देख सकेंगे जो है हमारा ये सर्किट जो है, ये डिवाइस जो है वो ऑफ होगी। आप देख सकते हैं इसको मैंने आउट किया तो हमारी ये डिवाइस ऑफ हो गई है, जिससे अभी हमारे ब्लू फेस इन तो हो रहा है लेकिन आउट नहीं हो रहा। और ये आप इंडिकेशन भी इस पर देख सकते हैं, जो रेड थी पहले ऑन थी, अभी ऑफ हो चुकी है। जैसे मैं इसको इंसर्ट करूँगा, अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको दोबारा कनेक्ट भी कर दिया है, फिर भी हमारा सर्किट ऑन नहीं हुआ, क्योंकि इसमें हमने जो है डिले को सिलेक्ट किया हुआ है 5 मिनट को। आफ्टर 5 मिनट जो है ये हमारी रिले जो है बैक टू नॉर्मल होगी, तब ही हमारे पास यहाँ से सप्लाई आएगी। मैं आपको दिखा सकता हूँ, अभी हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी किस्म की कोई सप्लाई नहीं आ रही, जबकि ब्लू फेस जो है हमारा वो हमारे सिस्टम में आ रहा है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास ब्लू फेस, आप देख सकते हैं सिस्टम में आ रहा है, जबकि रेड जो है वो आउट नहीं हो रहा। सो आफ्टर 5 मिनट जो है ये हमारा ऑटोमेटिकली सिस्टम ऑन हो जाएगा और हमारा कंट्रोल ऑन हो जाएगा। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की तमाम वीडियो आप मेरे चैनल पे हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।